श्री शिवाय नमस्तोंभ्यम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि और ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है इसी महाशिवरात्रि पर सीहोर कुबरेश्वर धाम में सात दिनों का रुद्राक्ष महोत्सव होता है जिसके अंतर्गत पंडित जी सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम में सात दिनों की कथा करते हैं पर इसी के साथ में दोस्तों काफ़ी सारे लाखों करोड़ों भक्तगण इस समय के अंतर्गत जो है सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुँचते हैं पर दोस्तों सीहोर कुबरेश्वर धाम इस रुद्राक्ष महोत्सव में आने से पहले बहुत सारे के मन में बहुत सारे प्रश्न जरूर घूम रहे होंगे इसलिए हम ये वीडियो काफी समय पहले आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग भी रुद्राक्ष महोत्सव आने तक सीहोर रुद्राक्षर धाम से जुड़ी हुई या रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी हुई सारी जानकारी पता कर लें और आप अपने पूरे मन से पूरी सुविधाओं के साथ में कुबरेश्वर धाम आए और भगवान शिव जी के अच्छे से दर्शन करें ठीक है तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं इस रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर इस महाशिवरात्रि को लेकर जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में मनाई जाने वाली है सबसे पहली बात दोस्तों और सबसे बड़ा प्रश्न क्या इस बार जो महाशिवरात्रि पड़ रही है क्या इस पे रुद्राक्ष वितरण होगा या नहीं होगा तो देखिए दोस्तों आप स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए कि अगर आप लोग इस महाशिवरात्रि को सीहोर कुबरेश्वर धाम में जा रहे हैं वो भी रुद्राक्ष का मन बना कर कि भाई हमें वहाँ पर रुद्राक्ष मिलेगा तो भाई इस बार बिल्कुल भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा उसका क्या कारण है पिछले साल की आप बात याद रख लीजिए क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि रुद्राक्ष बंटने की वजह से जो है बहुत सारे लोग एक साथ वहाँ पर पहुँच गए थे ठीक है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रुद्राक्ष के लिए है ना तो भाई इस बार जो है आप रुद्राक्ष का मन बिल्कुल मना कर मत आइएगा आप कुछ भी अपने साथ मत लेकर आइएगा कि भाई आप रिपोर्ट्स दिखाएंगे तो आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा जहाँ तक है आपको रुद्राक्ष इस बार किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है ठीक है क्योंकि पंडित जी ने साफ साफ बोला है क्योंकि अभी वहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं पंद्रह फरवरी के दिन से मतलब पंद्रह फरवरी के दिन पाँच शाम पाँच बजे तक जो है रुद्राक्ष वितरण चढ़ा चला इसके बाद जो है रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया है पंद्रह फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा मतलब हो चुका है और ये रुद्राक्ष वितरण दो तीन महीनों तक बंद रहेगा मतलब कि पंद्रह फरवरी से बंद होकर अब जो रुद्राक्ष वितरण वापस से चालू होगा वो होगा दोस्तों मई के महीने में कब से पंद्रह मई से है ना तो भाई पंद्रह फरवरी से लेकर पंद्रह मई के बीच में आप लोगों को रुद्राक्ष किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है हाँ वो आप किसी और कारणवश जो है किसी मतलब सेवादार से ले सकते हैं तो भाई आप वो ले सकते हैं पर ऐसे पंडित जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि भाई पंद्रह फरवरी से लेकर पंद्रह मई के बीच में आपको रुद्राक्ष नहीं मिलने वाला है और सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत अगर आप लोग रुद्राक्ष लेने के लिए आए हैं तो भाई रुद्राक्ष आपको नहीं मिलने वाला है रुद्राक्ष महोत्सव होने का मतलब ये है कि भाई उन सात दिनों में उन सात दिनों की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव तो होगा पर रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे पर रुद्राक्ष महोत्सव जो होगा ना उसमें उन रुद्राक्षों का जलाभिषेक किया जाएगा उनकी पूजन अर्चना की जाएगी जिससे कि वो सिद्ध हो सके ठीक है आपके जो रुद्राक्ष हैं जो आपने सीहोर को धाम से लिए हैं वो पूर्ण रूप से सिद्ध किए हुए होते हैं आपको उनकी कुछ अलग से से पूजन करने की जरूरत तो नहीं होती है उसी तरीके से जो फरवरी के दिन महाशिवरात्रि है और सात दिनों की जो पर कथा चलने वाली है उन्हीं दिनों के अंतर्गत ये जो अब आगे जाकर जो है रुद्राक्ष बंटने वाले हैं इनका पूजन अभिषेक इसी समय पर किया जाता है ठीक है तो इसीलिए इसका नाम जो है रुद्राक्ष महोत्सव रखा जाता है इस बार जो रुद्राक्ष महोत्सव चालू होगा वो सात मार्च 2024 से चालू होगा जो कि तेरह मार्च 2024 हज़ार तक चौबीस तक चलने वाला है ठीक है ध्यान रखना सात मार्च 2024 से शुरू होगा और तेरह मार्च 2024 तक रुद्राक्ष महोत्सव यहाँ पर चलने वाला है ना और पंद्रह फरवरी से लेकर पंद्रह मार्च मतलब पंद्रह मई के बीच में रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ये सबसे बड़ा प्रश्न था जिसका हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही जवाब दे दिया उसके बाद में दोस्तों कथा होने वाली है ठीक है जो सीहोर कुब्रेश्वर धाम में सात मार्च से पंद्रह मार्च तक जो कथा होगी इसका जो समय है वो दोपहर के एक बजे लेकर चार बजे तक होगा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना ठीक है, है और दोस्तों आपको हम यहां पर एक बात और बता दें कि अगर आप लोग अपने घर से निकल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम सीहोर कैसे पहुंचेंगे बहुत सारे लोग पहली बार आएंगे बहुत सारे लोग आ भी चुके हुए होंगे पर दोस्तों उस समय की बात अलग होगी आपने देखा होगा पंडित जी भले कुछ भी बोल लें पर उस वक्त सीहोर को कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के वक्त कितने सारे भक्तगण एक साथ पहुंचते हैं वो इसी से छुपा हुआ नहीं है आप हर साल देख ही रहे होंगे कि भाई कितने भक्तगढ़ सीहर को बेश्वर धाम के हैं है ना तो भाई अपनी व्यवस्थाएं विशेष रूप से बनाकर आइएगा उसके सबसे बड़ा कारण क्या है देखो पहले तो आप आप एक दो दिन का 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 अपना जो खाना खाने पीने सामान है वो अपने साथ में रखिएगा अगर आप आने प्लान कर रहे हैं ठीक है थीके? आने का प्लान कर रहे हैं तो एक दो दिन का सामान अपना मतलब रखिएगा और कुछ बिछाने के लिए कुछ ओढ़ने के लिए ये चीजें अपने साथ में जरूर लेकर आइएगा देखो समय का कुछ नहीं कह सकते समय उस समय क्या पता बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए ठीक है क्योंकि हर साल जो है भीड़ बढ़ भड़ के ही हुई है पिछले साल की अगर बात करें तो मतलब इतनी भीड़ थी कि भाई वहाँ का जो हाईवे था वो पूरा जाम हो गया था और 24 घंटों तक वो पूरा जाम हटा नहीं था तो इसीलिए भाई व्यवस्थाएं पहले से अपनी तैयार करके -कर रखना अगर आने का प्लान है क्योंकि भक्तगढ़ है भक्तगढ़ है भाई वो कितना ही भीड़ हो कितने ही चलना हो भाई वो आएंगे ज़रूर तो भाई अपनी व्यवस्थाएँ बस बनाकर आना ताकि आपको दिक्कत समस्या ना हो आप आराम से आनंदमय होकर भगवान के दर्शन कर सको है ना तो भैया आपको क्या करना है अपने घर से एक दो दिन का मतलब खाना जो है कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जिन्हें कहते हैं वो सब पैक करके लाइएगा अपने सोने पीने का मतलब सोने खाने का जो भी चीज़ें हैं वो सब आप तैयार करके लाइए गद्दा बिछाने का ओढ़ने के लिए कुछ पतला सा चादर ज़रूर लेकर आइएगा इसके साथ में दोस्तों क्या हम बच्चों को ला सकते हैं क्या हम घर के सभी सदस्य एक साथ आए तो देखिए ये आपके ऊपर है अगर आप अपने घर के सभी सदस्यों को संभाल सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ में मतलब ये कहो कि भाई भीड़ तो होने वाली है पक्की बात है और हो सकता है पिछली बार से भी ज़्यादा भीड़ हो है ना इस बात को सोचकर ना कि अगर आप अपने पूरे परिवार को जितने भी परिवार को सदस्य को लेकर जा रहे हैं अगर आप खुद उन्हें संभाल सकते हैं तो भाई आप उन्हें लेकर जाइएगा है ना या आप बच्चों की अगर बात करें तो भाई बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है अगर आप हमसे ये पूछें कि बच्चों को लाना चाहिए तो भाई हमारा तो मन यही कहता है कि भाई बच्चों को इतनी भीड़ में नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे ठीक है बाकी आपकी मर्जी है आप अगर उन्हें संभाल सकते हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप बच्चों को भी ला सकते हैं क्योंकि उनका भी हक़ है पूरा भगवान का दर्शन करने का ठीक है बाकी आपकी मर्जी है हम ये बात आपको पहले ही बोल रहे हैं भीड़ उस दिन बहुत ज्यादा होने वाली है ना तो भाई उसके बाद में सीहोर के लिए हम कैसे आए है ना बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे बहुत सारे लोग पहली बार आएंगे बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके पर इस समय हमें कैसे आना चाहिए क्योंकि भीड़ आप ऐसा सोचो कि भाई ट्रेन है बस है सब जगह आपको भरी भरी मिलेंगी उस समय अगर आप कोई ट्रेन का टिकट बुक करोगे बस बुक करोगे सीहोर के लिए भोपाल के लिए नहीं मिलने वाली है ठीक है ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि भाई पहले से आप लोग अपनी ट्रेन की टिकट टिकट की बुकिंग कर लो ताकि आपको बैठने जगह मिल जाए क्योंकि उस समय ट्रेन सब फुल रहेंगी आपको ना बैठने की जगह मिलेगी ना कुछ मिलेगी ठीक है इसलिए आप लोग पहले से ही तैयार कर तैयारी करके रखें देखिए अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं आप जहाँ पर भी रहते हो जिस भी राज्य में रहते हो जिस भी जगह पर रहते हो जिस भी सिटी में रहते हो हम नहीं जानते कि आप कहाँ पर रहते हैं बस हम ये जानते हैं कि आप सीहोर आना चाहते हैं तो हम आपको सीहोर तक का रास्ता बता देते हैं आपको कैसे आना है तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप अगर आ रहे हैं तो अपनी ट्रेन पहले देख लीजिए कि भाई आपको सीहोर तक के लिए ट्रेन मिल रही है या नहीं मिल रही है आप लोगों के मोबाइल में एक ऐप जरूर होगा जिससे हम ट्रेन देखते हैं वर इज़ माई ट्रेन तो भाई आप लोगों को क्या करना है वो ट्रेन ऐप में जो है अपनी ट्रेन देखना है आप जहाँ पर भी रहते हो वो सिटी डालना और सीहोर डालना ठीक है अगर आपको अपनी सिटी से लेकर अपने राज्य से लेकर सीहोर के लिए ट्रेन मिलती है तो तो अच्छी बात है आपको उसमें जगह मिलती है तो बहुत अच्छी बात है आप बुक कर लीजिएगा पर अगर सीहोर के लिए ट्रेन नहीं मिलती है क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रेनें सीहोर नहीं रुकती हैं बहुत सारी ट्रेनें सीहोर नहीं रुकती हैं बड़े बड़े राज्यों से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो सीहोर नहीं रुकती हैं ठीक है उस समय पर आपको क्या करना है तो देखो सीहोर से भोपाल जो है मात्र तीस किलोमीटर की दूरी पर है या इससे भी कम होगा ठीक है तो क्या करना है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और भोपाल के लिए आप किसी कि, किसी भी जगह से ट्रेन देख लो आपको आराम से मिल जाएगी है ना और भोपाल से सीहोर की दूरी कितनी है तीस किलोमीटर है तो भाई भोपाल से सीहोर के लिए भी आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएंगी कुछ कुछ समय पर है ना तो आपको क्या करना है सीहोर के लिए अगर सीधा ट्रेन ना मिले तो आपको देखना है भोपाल के लिए ट्रेन कहाँ पर कहाँ के लिए देखोगे भोपाल के लिए ट्रेन आपको आराम से किसी भी जगह से मिल जाएगी क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल के लिए ट्रेन आपको आराम से मिल जाएगी जो भी ट्रेन मिलती है अच्छी वाली आपको जैसी टिकट बुकिंग करनी है आप वैसी टिकट बुकिंग वहाँ से कर लीजिएगा ठीक है टिकट बुकिंग करके अब अगर आप भोपाल भी पहुंच जाते हैं भोपाल से सीहोर कैसे जाओगे भोपाल से सीहोर जाने के दो रास्ते हैं पहला तो ट्रेन से ही है ट्रेन कुछ कुछ समय के अंतर्गत होती हैं मतलब कुछ एक एक दो दो घंटे छोड़ के ही सीहर के लिए ट्रेन होती है बाकी दूसरा माध्यम है बस बस आपको आराम से मिल जाएगी तीस किलोमीटर का रास्ता होता है सीहर कुपरेश्वर धाम का भोपाल से भाई वहाँ पर आप सीहर आराम से पहुँच जाओगे ठीक है ये हमने उनके लिए बताया जिनको सीहर के लिए ट्रेन ना मिले या जिनको सीहर के लिए ट्रेन जगह ना मिले तो भाई वो भोपाल के लिए ट्रेन देख लो उसमें आपको जगह जरूर मिल जाएगी पहले से बुकिंग कि तो ही हो पाएगा वरना उस समय किसी को भी टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग लाखों लोग जो है जरूर ली ना? उसके बाद में दोस्तों अब यहां पर एक और बहुत बड़ा प्रश्न है क्या व्यवस्था है तो देखो रुकने की व्यवस्था उस समय की अगर बात करें तो भाई आपको कोई होटल रूम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको यह बात पहले से करनी पड़ेगी आप मोबाइल से वहां के होटल्स जो जितने भी होटल्स हैं वो पहले से आपको इंटरनेट पर सारे के नंबर्स मिल जाएंगे तो भाई आप पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो अगर आप रुकना चाहते हो अगर हम वहाँ की बात करें रुकने की व्यवस्था भाई सीहोर को बेश्वर धाम बहुत बड़ा है आप कहीं पर भी रुक सकते हो हमने आपसे बोला ये बिछाने का चादर वगैरह ये सब आप लेकर जाएंगे तो आप वहाँ पर भी आराम से रुक सकते हैं ठीक है बाकी होटल्स की बात करें उस समय होटल्स बहुत महंगे मिलेंगे बहुत पैसा आपका खर्च होगा होटल्स में इसलिए अगर आप चाहें तो वहीं पर भी रुक सकते हैं कुपसी और कुपलेश्वर धाम में ना और उस समय की अगर बात करें तो आपको कोई भी होटल खाली नहीं मिलने वाला है इसलिए पहले से बुकिंग करके रखना पहले से बात करके रखू कोई पैसा भी आपको सही देना पड़ेगा उस समय जाकर अगर आप सीधा बोलो कि भैया हमें होटल चाहिए तो भाई आपको बहुत महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे इसलिए ये सब बातें आप पहले से ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों उस दिन मतलब हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे तो वो हम कैसे करेंगे है ना क्योंकि महाशिवरात्रि है साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि तो फिर उस दिन बहुत सारे उपाय करने तो वो हम कैसे करेंगे तो देखो उपाय करने के लिए पंडित जी ने खुद बोला है भाई वहाँ पर जो है जितने भी कंकड़ हैं वो सब शंकर का ही रूप है वहाँ पर एक शिला भी रखी हुई है तो भाई आप जो भी उपाय करना चाहें वहाँ पर आपको बेलपत्र नारियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं भाई वहाँ पर वहाँ से आप सारी चीज़ें लेकर आप वहीं पर कोई भी कंकड़ देख ये जो शिला है उसके ऊपर भगवान की पूजन कर सकते हैं वहाँ पर कोई भी आप उपाय कर सकते हो आपको कोई भी उपाय करने के लिए मना नहीं करेगा ठीक है तो आप सीहोर भी जा रहे हो तो उपाय वहां पर आराम से बैठकर कर सकते हो महाशिवरात्रि के बहुत सारे उपाय हैं जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे हमें कथा के पहले दिन आना जरूरी है तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है साथ मार्च से जो है यहाँ पर कथा शुरू होगी जो कि पूरी जो है तेरह मार्च तक चलने वाली है अब इस बीच में आप कभी भी आ सकते हो अगर आपको सातों दिन की कथा सुननी है तो भाई एक दिन पहले ही आ जाना ठीक है और अगर एक दो दिन की कथा सुननी है तो भाई उसी दिन आना आप लोग है ना और अगर आप लोग विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर आ रहे हैं तो भाई एक दिन पहले जरूर आ जाना क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप ये लिख कर ले लो उस दिन बहुत भीड़ होने वाली है आप चाहे बस देख लो चाहे ट्रेन देख लो आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी ए का अगर आप सोच रहे हो ना तो ए के भी वहाँ पर उस दिन जनरल के जैसे भराते बना कर जाते हैं क्योंकि पिछले साल जो हुआ था वो हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं ना तो भाई आप लोग ये सारी व्यवस्थाओं को पहले करके रख लीजिएगा हमने आपको आगे आने वाली जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो पहले ही आपको समझाती हैं बाकी दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो ना कि हम जो है महाशिवरात्रि से पहले सीहोर जाएं और सीहोर जाकर आप लोगों को वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं दिखाएं रुकने की जगह दिखाएं आपको सीहोर से कैसे स्टेशन तक जाना है स्टेशन से कैसे कोबरेश्वर धाम तक जाना है वो सभी दिखाएं तो आप एक बार हमें कमेंट ज़रूर कर देना ताकि आप लोग कमेंट करोगे तभी हम लोग आपको ये सारी फ़ोटोज़ बिल्कुल लाइव वहाँ की जो है दिखा पाएंगे ठीक है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अगर आप वहाँ की पूरी जानकारी लेना चाहते हो एक बार महाशिवरात्रि से पहले है ना और वहाँ की कैसी क्या तैयारी चल रही है वो सब भी जाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो है ना इसके बाद में दोस्तों हम सीहोर रेलवे स्टेशन पर तो पहुंच जाएंगे पर स्टेशन से कोपरेश्वर धाम कैसे जाएंगे तो देखो अगर उस समय की बात करें तो हो सकता है कि भाई हाईवे पर जाम लगे या पुलिस हाईवे पर जो है ऑटो वालों को ना जाने दे तो हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा भी पैदल चलना पड़ जाए है ना पर स्टेशन से तो आपको ऑटो या कुछ ना कुछ गाड़ी ज़रूर मिल जाएगी और एक ऑटो वाला एक व्यक्ति से चालीस से पचास रुपये लेता है ना वैसे चालीस रुपये लेता है पर पचास भी ले सकता है उस समय के हिसाब से पचास से ज़्यादा भी ले सकता है पर नॉर्मली जो लगते हैं वो चालीस रुपये लगते हैं एक व्यक्ति के अगर आप दो व्यक्ति हैं तो भाई आप किसी चीज़ की बात है अस्सी रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पचास रुपये सामने वाला वो आपसे ले सकता है पर उस समय की कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें जाना ज़रूरी होता है तो ऑटो वाले भी जो है अपने मन की बोलते हैं पर चालीस रुपये एक व्यक्ति का लगता है फिलहाल नॉर्मली में है ना तो आप ऑटो करके जो है या वैन करके वहाँ तक जा सकते हैं आपको आराम से वो लोग छोड़ देंगे ने? है ना तो भाई आप तो उस समय की जैसी व्यवस्था होंगी हम आपको सारी वीडियो के माध्यम से बता देंगे अभी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ओम नमः शिवाय जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तो